सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरी नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करूंगा HDFC बैंक की अनबॉक्सिंग किट की। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसको अभी तक खोल के नहीं देखा है, मेरे पास अनबॉक्सिंग किट आ चुकी है और आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर मुझे क्या क्या मिलता है, क्योंकि दोस्तों अभी तक मैंने भी इसको खोल के नहीं देखा है कि इसके अंदर मुझे क्या क्या देखने को मिला है और बैंक ने मेरे पास क्या क्या भेजा है, मैं अभी तक इसको खोल के नहीं देखा है। तो मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि मुझे बैंक की तरफ से क्या क्या देखने को मिलता है इस अनबॉक्सिंग किट में। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं चलता हूँ आपको मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये है वो मेरी अनबॉक्सिंग किट, आप देख सकते हो जो चारों तरफ से एकदम पैक है। मैंने इसको अभी तक खोल के नहीं देखा है कि इसके अंदर मुझे क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए मैं इसे आपके सामने ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर मुझे क्या क्या मिला है। तो दोस्तों मैंने इसको ओपन कर दिया है और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर मुझे क्या क्या मिला है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मिली है वो है एक चेकबुक जो ज़्यादा मोटी नहीं है, इसके अंदर 8 या 10 चेक होंगे। तो पहली चीज़ दोस्तों जो मिली है वो है मुझे चेकबुक। चलिए मैं दूसरी चीज़ दिखाता हूँ आपको। दोस्तों जो मुझे मिली है पासबुक बैंक की तरफ से, जिस पर दोस्तों कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है अभी, अब ये एकदम ब्लैंक है, इस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। दोस्तों इसको प्रिंट कराने के लिए मुझे एक बार बैंक जाना पड़ेगा और वहाँ जाके दोस्तों बैंक के जो कर्मचारी हैं वो इसको फिलअप करेंगे। दोस्तों और इसके अंदर हमें कुछ भी देखने को मिलता है, ये कुछ पेपर हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। इनके अंदर दोस्तों बैंक के बारे में बताया गया होगा कि आप किस तरह के अकाउंट खुलवा सकते हो, क्या क्या बेनिफिट आपको देखने को मिल सकते हैं किस तरह के अकाउंट में, और जो चेक होगा दोस्तों उसका उसके बारे में बताया गया कि आप कितने तक का कैसे चेक क्या लगा सकते हो। यानी कि आपको सिर्फ बैंक की डिटेल इसमें दी गई हैं, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जाएंगी। दोस्तों आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। अब दोस्तों आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि मुझे इस अनबॉक्सिंग किट में डेबिट कार्ड तो मिला ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि जो जो मेरी अनबॉक्सिंग किट है जो मेरे पास आज ही आई है, जिसको मैंने आपके सामने ओपन किया है अभी, मेरा जो डेबिट कार्ड था वो दोस्तों आज से 15 दिन पहले ही मेरे पास आ चुका था भाई पोस्ट। दोस्तों मेरे पास ये अनबॉक्सिंग किट पोस्ट द्वारा आई है, तो दोस्तों उसी तरीके से आज से कम 12 या 14 दिन पहले मेरे पास डेबिट कार्ड भी आ चुका था। यानी दोस्तों बैंक ने सबसे पहले मेरे पास डेबिट कार्ड भेजा था, उसके बाद मेरे पास ये अनबॉक्सिंग किट भेजी है। दोस्तों डेबिट कार्ड मेरे पास पहले से आ चुका था, इसलिए इस अनबॉक्सिंग किट में मुझे डेबिट कार्ड देखने को नहीं मिला है, क्योंकि डेबिट कार्ड दोस्तों पहले ही मेरे पास आ चुका था। तो इस अनबॉक्सिंग किट में दोस्तों ये कुछ पेपर मुझे मिले हैं, ये पासबुक मिली है और ये चेकबुक देखने को मिली है, जिसके अंदर 8 या 10 चेक हैं, ज़्यादा मोटी नहीं है ये। अगर ये पूरी ख़त्म हो जाती है तो हम फिर से इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों डेबिट कार्ड की अनबॉक्सिंग आपने अभी तक नहीं देखी हो तो आप उसे देख सकते हो। डेबिट कार्ड की अनबॉक्सिंग का वीडियो वाला लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो कि मुझे बैंक की तरफ से कौन सा कार्ड मिला था और अकाउंट खुलवाने कितने दिन बाद मिला था। दोस्तों उसमें मैंने सब कुछ बताया है, तो आप उस वीडियो को डिस्कशन में आकर देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने अच्छे से देख लिया होगा कि मुझे इस अनबॉक्सिंग किट में क्या क्या देखने को मिला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।